कि अंत सब में बताया जाता जो बात होती बहुत अच्छी लगती है। तो बोल दीजिए, मैंने भी आग्रह किया था स्वामी जी आप ही आ जाइएगा, स्वामी जी को समय नहीं था, लेकिन आए ऐसे जुना खड़ा कि महामंत्री महामंडलेश्वर जगत गुरु श्री उमा ठीक है महामंडलेश्वर श्री उमाकांत नंदी महाराज जुना खड़ा से हैं, वे अपने संदेश दे, आपके खड़ा की तरफ से क्या संदेश आया। ओम विश्वारि देव सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व ओम शांति शांति शांति। जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी के सहस्राब्दी पे विशेष संत भक्त महाकुंभ के अवसर पर पूज्य जीएन स्वामी जी और सभी संत वृंद के चरणों में नमन है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, आज एक बात समझ में आ रही है कि इस भारत की जो शक्ति है वो राजनीतिक शक्ति इसकी मौलिक शक्ति नहीं, आर्थिक शक्ति इसकी मौलिक शक्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति इसकी मौलिक आत्मा और शक्ति है। कहते हैं सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हमारी संस्कृति इस सृष्टि की पहली संस्कृति है जिसने मनुष्य समुदाय को जीवन जीना सिखाया। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। विवेकानंद से जगत ने नवल आध्यात्म पाया था, कि सोया कर्म दर्शन का राम तीर्थ ने जगाया था। आज आध्यात्म की शक्ति को पूज्य जीयर स्वामी ने यहां धरती पे उतारा है, साकार किया है, और ये धरती तो पहले से ही सदियों से सृष्टि प्रारंभ से आध्यात्म की धरती पूरे देश की धरती रही है, परंतु ये बिहार की धरती, ये चाणक्य और चंद्रगुप्त की धरती, बुद्ध और महावीर की धरती, अष्टावक्र और जनक की धरती, आध्यात्म से अप्लावित आज जो महायज्ञ यहां हो रहा है, इसी धरती से महायज्ञ को पुनर्स्थापित किया गया था 186 ईस्वी पूर्व में, जब पुष्यमित्र शुंग ने मगध से पुनः यज्ञ स्थापना शुरू की और पूरे भारत में यज्ञ एक तरह से ध्वंसा हो गया था। उस काल से लेकर आज तक ये भूमि ऊर्जावानों को पैदा करती रही है, और आज ये देखकर लग रहा है कि ये धरती अपने मौलिक स्वरूप को पुनः पहचान कर जागृत हो रही है। पूरे भारत से आए हुए संत महात्मा अपनी ऊर्जा द्वारा इस देश को जागृत करने के लिए आज संकल्पित हो रहे हैं कि राष्ट्र में एकता और समता आए, अध्यात्म की गंगा पुनः बहे, और ऐसे संतों के तपस्या से ही ये देश टिका हुआ है और ये जगत गुरु पुनः बनेगा। आर्थिक रूप से ये सोने की चिड़िया बनने ही वाला है और धार्मिक रूप से जगत गुरु बनेगा। एक लाइन में कहना चाहूंगा पूज्य जीयर स्वामी जी के लिए कि संतों का जीवन तप का जीवन होता है, वैभव का जीवन नहीं होता, जिसको इन्होंने अपने जीवन में साकार करके दिखाया है। वैभव भले ही संतों के पास आए और जन कल्याण में लगे तो अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन उनका तप का होना चाहिए, जो इनका प्रत्यक्ष जीवन है। जिया नहीं स्वयं के लिए औरों के हित जो मरना सीखा, जिया नहीं स्वयं के लिए औरों के हित जो मरना सीखा, दुखियारी पीड़ित मानवता देखकर जिसका अंत सीखा, बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ व गिरजा घर की शान बन गया। बस इतना ही कहना चाहूंगा, और ये यज्ञ निरंतर चलता रहे, अलग अलग सेवा कार्यों के रूप में, सहयोग कार्यों के रूप में, और लोगों की मनस्थिति को बदलकर नई चेतना जागृत करने के रूप में। ओम शांति। नमो वागपते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यान्ये महालक्ष्मी सरस्वते नमो नमः। आज यहां आकर बहुत गर्वान्वित अनुभव हो रहा है कि श्री वल्लभाचार्य जी के वंशज होने के माध्यम से श्री
अमरोजाचार्य के परंपरा को वंदन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी उपस्थित संतगण को मेरा वंदन। यहाँ एक विचार कर रहा था कि जिन्ना में यहाँ आराम से सब लोग क्यों एकत्र हुए हैं, एक पवित्र भूमि है तो सही, और इस महायज्ञ में आराम में बहुत लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि आरा गीता में कहा गया है कि शब्दानाम अकारोस्मि, शब्दों में अकार वो परम श्री कृष्ण है, और आरा का अकार कृष्ण और रकार श्री रामानुजाचार्य, जहां प्रभु स्वरूप रामानुजाचार्य विराजमान हो उसी भूमि पर आज ये राम पर्व हो रहा है। श्री विदभाचार्य जी ने भी शुद्धाद्वैत संप्रदाय को भी उपस्थित है, तो युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि आज के दिन इस पावन दिन पर हमें प्रण ले कि हमारा संप्रदाय संस्कृति की संरक्षण का, हमारा देश का संरक्षण और व्यसन मुक्ति प्रकृति का सम्मान करके संरक्षण करके हम हमारे इस भक्ति के जीवन में धन्य पिता पावे शुभम नारायण नारायण। इसी कड़ी में मोक्षदापुर हर 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 महादेव। पद्री विशाल की तरफ से उनको ये आशीर्वाद देता हूँ, 1000 वर्ष जिए। उन्होंने जो ये कुंभ महाकुंभ जिसको मैंने अपने जीवन में सारे कुंभों का जो है श्रवण किया है, भ्रमण किया है, और इतनी भीड़, इतनी अपार श्रद्धा जो मैंने देखी, तो मैं आज इसका गदगद हो गया हूँ। महाराज श्री को प्रणाम करता हूँ। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जो पूरे देश में भ्रमण करके इस तरह की जो परंपरा डाली थी, वो मैं आज उनके स्वरूप में आज आपको देख रहा हूँ। आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, और आपके नाम से एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, माननीय कानून मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है, इस भूमि में आप भी इस प्रदेश के रहने वाले हैं, आप प्रयास करिए कि आप आज भगवान बद्री विशाल से भी मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप में ये सक्षम हो कि इनके नाम से एक एक चतुर्वेद धाम विश्वविद्यालय इस भूमि में होना चाहिए। और मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ, अब जो है इस देश को संभालने के लिए संतों की बारी आ गई है, मैं सभी संतों को झुक के प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप जो है इस भारत भूमि को विश्व भूमि बनाइए, और विश्व आप ही जो है जब जागेंगे तो देश जागेगा, और मैं देख रहा हूँ कि देश जाग खड़ा हुआ है। महाराज आपने जो है सादगी में जो है ये महाकुंभ खड़ा किया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और भगवान बद्री विशाल का प्रसाद देंगे। सब लोग एक बार हाथ उठाइए और हाथ से जो है भगवान बद्री विशाल का प्रसाद महाराज को स्वीकार करिए। नारायण नारायण।